नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वर्क अग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ भाई, देखिए वर्क अग्रीमेंट हालांकि नॉर्मल तो आप समझ सकते हैं यार, वर्क अग्रीमेंट के बारे में क्या जानकारी, हमें तो पता ही है जी, हमें तो सब कुछ पता है। लेकिन पता नहीं होता तभी लोगों को नुकसान होता है, अगर पता होता है तो फिर इतनी बात करने की शिकायत ही नहीं होती। जी हाँ, तो देखिए बात हालांकि पर्टिकुलर हम दुबई के बारे में करेंगे, लेकिन ये बात सब जगह लागू होती है, चाहे आप दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, किसी भी कंट्री में रहते होंगे। अग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी आपको किस आधार पर जॉब से निकाल सकती हैं, कंपनी से आप किस आधार पर मुआवजे की मांग कर सकते हैं, सीमित अग्रीमेंट और असीमित अग्रीमेंट, जी हाँ इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, और भी अग्रीमेंट से रिलेटेड आपके क्या क्या अधिकार मिलते हैं, दुबई लेबर लॉ क्या बोलता है, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वे से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई वर्क अग्रीमेंट क्या होता है। वर्क अग्रीमेंट देखा जाए तो आप किसी के भी पास काम करते हैं उससे पहले उनके बीच में और आपके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, वो उनमें उनकी कंडीशन होती है, कंपनी की, नियुक्ता की, आपका मालिक कोई भी हो सकता है, वो ये बताया होता है कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, इतनी घंटे ड्यूटी करनी होती है, ये पगार देंगे, ये फलाना, ये आपको बोनस देंगे, इतने टाइम बाद आपको छुट्टी देंगे, या आप ऐसे नहीं करोगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे तनख्वाह, इस तरह का अग्रीमेंट होता है, आप सबको पता है, उस पर आप एग्री करते हो उसको, और उसके एग्री का मतलब ही एग्रीमेंट है, आप एग्री करते हो, हाँ करते हो, हाँ होने के बाद आपके उस पर साइन हो जाते हैं, अग्रीमेंट हो जाता है। अग्रीमेंट यहाँ पर बात करें दो प्रकार के अग्रीमेंट होते हैं, एक सीमित अग्रीमेंट होता है, एक असीमित अग्रीमेंट होता है। जी हाँ, एक लिमिट और एक अनलिमिटेड। अब लिमिट अग्रीमेंट की बात करें तो लिमिट अग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक साल, दो साल, तीन या चार साल तक, लास्ट चार साल तक का अग्रीमेंट होता है, चार साल के बाद में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, यानी उस अग्रीमेंट को हमें टाइम टू टाइम रिन्यू करना होता है। जैसे एक साल का हो गया, कई बार देखा हो ना हमने रूम किराए पे लिया है तो उसका 11 महीने का अग्रीमेंट है, 11 महीने बाद उसको हम दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, सेम कंडीशन ये अग्रीमेंट। आप कई बार कंपनियों में जाते हैं, आपने देखा होगा ना दो साल का अग्रीमेंट होता है, आप बीच में बोलते हो तो कंपनी बोलती है पहले अग्रीमेंट पूरा करो आप, तो फिर आप अग्रीमेंट पूरा कर देते हो तो फिर आप बोलते हो जी हमारा अग्रीमेंट पूरा हो गया हम तो घर जाएंगे, यानी वो एक सीमित अग्रीमेंट है, चार साल तक हो सकता है, चार साल के बाद में वो नहीं होता है। हाँ अगर आप चाहो तो आप और कंपनी की सहमति से उस अग्रीमेंट को दोबारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोनों ही अग्रीमेंट हैं, सीमित और असीमित, उसमें अलग अलग दोनों के कानूनी अधिकार हैं, दोनों अग्रीमेंट होते हैं उसमें कुछ अलग अलग कानूनी अधिकार हैं, उसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, सीमित अग्रीमेंट चार साल तक होता है, चार साल के बाद नहीं होता, उसको दोबारा दोनों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। असीमित अग्रीमेंट लिमिट उसकी कोई लिमिटेड नहीं होती है, वो एक अग्रीमेंट हो जाता है, जब तक दोनों में बनती रहे तब तक काम करता रहे, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी हो सकता है वो। सीमित अग्रीमेंट की बात करें तो अनुच्छेद दुबई का जो लेबर लॉ 1980 उसमें एक एक्ट है 120, उसमें सावधान प्रावधान किया गया है कि भाई सीमित अग्रीमेंट को अगर आप समय से पहले खत्म कर देता है, आपका कंपनी, आपका मालिक कोई भी आपको निकाल देता है किसी भी रीजन से, तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे की बात करें तो 3 महीने की एडवांस सैलरी देनी पड़ेगी। सपोज करिए आज की डेट में आपको बोलता है भाई छुट्टी जाता हूँ, अग्रीमेंट हालांकि आपका पड़ा है 6 महीने, 7 महीने बाकी पड़े हैं, साल बाकी पड़ा है, तो उसको आपको 3 महीने की एडवांस तनख्वाह देनी पड़ेगी। अन्य जो अन्य भत्ते हैं आपकी, जैसे लीव सैलरी है या फिर अंत एंड ऑफ सर्विस बोनस होता है, वो भी पड़ा है, तो वो भी आपको पूरा कंपनी को देना होगा, 3 महीने की तनख्वाह देनी होगी और अब आप जा सकते हो, ऐसे कंपनी आपको बोल सकती है। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं, श्रम विभाग में शिकायत कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अग्रीमेंट कोई भी हो, सीमित अग्रीमेंट हो या अनलिमिटेड अग्रीमेंट हो, सीमित अग्रीमेंट में मान लीजिए आपका टाइम 2 साल का पड़ा है, तो आपके पास तो 2 साल का है, आप तो मनमर्जी करेंगे कि भाई 2 साल का अग्रीमेंट हो गया, हमें तो कोई निकाल ही नहीं सकता। सेम एग्जाम्पल, आप किसी के रूम रेंट लेके रहते हैं, आपका अग्रीमेंट हो गया और आप तो बोलोगे हमें तो निकाल ही नहीं सकता, आपका तो कब्जा होगा 11 महीने के लिए, ऐसा नहीं होता है, उसमें एक लिमिटेशन होती है, मकान में रात को दारू पी के आना, उधड़बाजी करना, बदमाशी करना, तो मकान मालिक खाली करवा सकता है। वो अग्रीमेंट एक आराम से सभ्य नागरिक के रहने के लिए होता है, बदमाशी करोगे तो उससे पहले निकाला जा सकता है। सेम कंडीशन दो कंपनियों में भी ऐसी होती है कि भाई अग्रीमेंट है लेकिन कुछ प्रकार, अगर मैं आपको नोट कराऊंगा नीचे कुछ गलतियां करोगे, लगभग 10 से 11 प्रकार की गलतियां, तो कंपनी आपको बिना नोटिस दिए वहां से आउट कर सकती है। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं कि आपको तनख्वाह भी नहीं देगी और आपका बोनस भी नहीं देगी और आपको वहां से छुट्टी कर देगी। जी हाँ, तो वो आप डिटेल से देख लीजिए। सबसे पहले की बात करें कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और उसमें आप झूठ बोल के प्रवेश कर जाते हैं,
कि आपकी पहचान अलग बता दी, नाम आपका कुछ है आपने कुछ अलग बता दिया, राष्ट्रीयता चेंज बता दी, या कोई नकली डॉक्यूमेंट के आधार पे आपने भर्ती हो गए। जी हाँ, हालांकि विदेश में अगर आप जाते हैं, इंडियन लोग हैं तो भाई राष्ट्रीयता का तो सवाल ही नहीं होता, पासपोर्ट पहले देखते हैं, इंडियन लिखा होता है। हाँ, उनके साथ में डॉक्यूमेंट आपने गलत हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन उनको दे दी और बाद में कंपनी को पता लगता है तो आपको छुट्टी कर सकती है, चाहे आपका अग्रीमेंट 2 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निकाला जा सकता है। परिवेशन पीरियड यानी आप ट्रेनिंग आपको होती है 1 महीने से 2 महीने 3 महीने तक, उस दौरान आप कुछ गलत कर देते हैं तो आपको भाई ट्रेनिंग के समय ही निकाला जा सकता है। फौज पुलिस आर्मी में बोलते हैं ना कि भाई 2 साल तक तो कच्चा रहेगा फिर पक्का हो जाएगा, हमारे राजस्थान में तो ऐसा ही बोलते हैं भाई, कच्चा पक्का। 2 साल उसकी ट्रेनिंग यानी वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, 2 साल के बाद उसकी फाइनल जॉब हो जाती है और वो पक्का हो जाता है, कहने का मतलब ये, और उसकी सैलरी भी फिर बढ़ जाती है। तो सेम यही प्रोसेस इसमें होता है। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए ड्यूटी टाइम के दौरान या कैसे भी कंपनी के खिलाफ में, आपके मालिक के खिलाफ में या फिर किसी भी तरह की आप कंपनी में तोड़फोड़ कर देते हैं, जी हाँ, और इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो जाता है, तो कंपनी 48 आवर्स के अंदर आपको मोहरे में आपके खिलाफ में शिकायत करेगा। जी हाँ, क्योंकि कंपनी को नुकसान आप कर देते हैं, आपकी गलती की वजह से हुआ, तो मोहरे में उनको शिकायत करनी चाहिए और फिर मोहरे आपके खिलाफ में एक्शन लेकर आपको जॉब से निकाला जा सकता है। जॉब के समय देखिए कंपनी के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उनके तहत ही आपको काम करना होता है। जगह जगह कई बार जगह आपने देखे होंगे लिखे भी होते हैं और आपको मौखिकली बता भी दिया जाता है। जो अनपढ़ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता इंग्लिश वगैरह, उनको मौखिक समझा दिया जाता है कि आपको इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जॉब करना है, ऐसे नहीं कि आप मनमर्जी से कर रहे हैं, तो ये भी आप उल्लंघन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जॉब अग्रीमेंट हो गया, जॉब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप काम कर नहीं कर रहे हैं, जैसे फ्राइडे की छुट्टी रहना, आप फ्राइडे को छुट्टी नहीं मार के दूसरे दिन की छुट्टी ले लेते हैं या फिर 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते हैं, बीच में भाग जाते हैं, इस तरह की कोई भी दिशा निर्देश हैं या फिर अग्रीमेंट के हिसाब से आप नहीं चलते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो 1 या 2 बार आपको माफ़ी मिल सकती है, उसके बाद में सीधा कंपनी आपको बर्खास्त कर सकती है। जी हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो कंपनी है आपका मालिक है, देखिए हर कंपनी की मालिक की प्राइवेसी होती है, यानी बिजनेस की अंदर की बातें होती है जो सब लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती। जैसे फौज में पुलिस में होता है, आप सबने देखा होगा कि वो बातें बाहर नहीं कर सकते, रिटायरमेंट होने के बाद भी वो किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर सकते। आर्मी में, अगर इंडियन आर्मी में है या फिर अलग अलग पदों पर आपने देखा होगा, तो सेम कंडीशन है। कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अंदर की बातें कंपनी की मालिक की, आप लोगों के साथ बातें बाहर शेयर कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, ये कंपनी के खिलाफ में ये बात जाती है, उनको नुकसान हो सकता है, उनकी कोई भी प्राइवेसी बात लीक हो सकती है, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए न्यायालय ने या फिर कोर्ट ने आपको सजा सुना दी या फिर आप सजा याफ्ता हैं और उसके बाद किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी को पता लगे कि आपका तो भाई करेक्टर ही सही नहीं है, करेक्टरलेस है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अंडर ट्रायल केस चल रहा है और उसके दौरान आप जॉब वहाँ पे कर रहे हैं, तो कंपनी को अगर पता लगता है तो भाई कंपनी आपको निकाल सकती है, जी हाँ, जॉब से आउट कर सकती है। 8 नंबर पॉइंट की बात करें कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं या कंपनी के मेस कहीं पर भी रहते हैं, कंपनी के अपार्टमेंट में या फिर लेबर रूम में या फिर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, काम करते हुए आप किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं जिसमें सिगरेट पीना या फिर कोई इस्तेमाल नशीली चीज़ें इस्तेमाल, दारू शराब या फिर और कोई ड्रग्स वगैरह, कोई चर्स गांजा वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं और नशा कर ऑन ड्यूटी के दौरान आप पी रहे होते हैं और कंपनी को पता लग जाता है तो आपको आउट किया जा सकता है जॉब से, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। 9 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे भाई, दिमाग थोड़ा ठंडा रख के काम करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा है ना ये इंसान को मरवाता है, ये नुकसान ही करता है। किसी साथी के साथ लड़ाई कर झगड़ा कर लिया, अफसर के साथ मारपीट कर ली, या कंपनी के वर्करों के साथ में आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी का सिर फोड़ दिया, बदमाशी कर ली, तो आपने सुना होगा ना कि कंपनी ने वो 4 लोगों ने बदमाशी की तो कंपनी ने उनको आउट कर दिया, कंपनी से भगा दिया, वीजा कैंसिल किया, उनको लगाया और आउट, और 2-3 साल के लिए बैन भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर कंपनी अगर केस कर देती है पुलिस में तो आप लाइफ टाइम के लिए भी ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है। समय पे ड्यूटी नहीं करना, जी हाँ, अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं। आपको पता है दुबई में 7 दिन तक लगातार कंपनी में बिना बताए नहीं जाते हैं तो कंपनी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आप सबको पता होना चाहिए ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि हाँ जी 7 दिन में 6 दिन नहीं गए, 7वें दिन चले गए, फिर आपने 4 दिन की छुट्टी कर ली, यानी इस तरह से छुट्टी का सिलसिला चल रहा है, आपकी वजह से कंपनी को वर्करों को लॉस हो रहा है, उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उनका काम नहीं हो पा रहा आपकी वजह से, तो आपके खिलाफ कंपनी एक्शन ले सकती है भाई, आपको कंपनी घर बिठा सकती है। जी हाँ, ये तो थे 10 पॉइंट, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करें 1980-151 में ये बातें बताई गई, दुबई का जो लेबर लॉ है 1980 की एक्ट 121 यानी 121 में बातों का प्रावधान किया गया है कि अन्य कोई भी कारण से कंपनी अगर आपको निकालती है तो आप अपने मुआवजा लेने के हकदार हैं। जी हाँ, आप मुआवजा भी मिलेगा, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, जी हाँ, देने की।
अगर आप मान लीजिए लास्ट में हम बात करेंगे, अगर आप आपने इन ये जो ऊपर मैंने पॉइंट बताए 10 कोई गलती नहीं की, 11वें पॉइंट में मैं बता दूं कि अगर आप अपनी मर्जी से इस्तीफा देते हैं कंपनी में, कंपनी ने छोड़ आपने कंपनी को छोड़ दिया समय से पहले, अग्रीमेंट होने से पहले कोई नहीं फर्क पड़ता, आपने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, आपने बोल दिया भाई हमें तो इतना ही काम करना है, तो आपकी बकाया तनख्वाह है, आपका भुगतान है, आपका जो भी सब कुछ जो बच रहा है वो कंपनी आपको देगी। ये नहीं कि आप इस्तीफा दे रहे हैं तो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि कंपनी की वो जिम्मेदारी है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं असीमित अग्रीमेंट क्या होता है। जी हाँ, एक मेन टॉपिक अपने पे बात करेंगे कि वे का जो लेबर लॉ है बता दूं 1980 उसमें अनुच्छेद 121 यानी 121 में ये भी प्रावधान किया गया कंपनी कर्म जो कंपनी का कर्मचारी उसके पक्ष में ये बातें बताई गई है। जी हाँ, अगर मान लो आप इस्तीफा दे सकते हो कंपनी को बिना बताए, अगर आगे हम पॉइंट की बात करें तो क्या आधार पे आप कंपनी पे, मान लीजिए कि आपका जो अग्रीमेंट हुआ है वो अग्रीमेंट आपका हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ता या आपकी कंपनी आपका मालिक पूरा जिम्मेदारी के साथ वो अग्रीमेंट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए, यानी टाइम पे आपको खाना, टाइम पे रहना, खाना, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल से रिलेटेड या फिर तनख्वाह ओवर टाइम वगैरह बोनस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी जो भी अग्रीमेंट है उसको कंप्लीट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो विफल रहते हैं, तो आपके पास एक करंट ये ऑप्शन बनता है कि आप कंपनी से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, सेकंड बात ये भी एक ऑप्शन बनता है इस्तीफा देने का कि मान लीजिए कंपनी ने आपके साथ मारपीट की या कंपनी के अधिकारियों ने आपके साथ मारपीट की किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि अगर गलती भी कर देते हो तो मारपीट नहीं कर सकते आप, हाँ कानून पड़ा है, कानून का एक अलग ऑप्शन होता है लेकिन वो मारपीट नहीं कर सकते, तो ये भी एक आधार बनता है कि कंपनी या कंपनी के वर्कर या कंपनी के वर्करों को छोड़ के कंपनी के अफसर के सीनियर हैं आपके साथ मारपीट करते हैं तो आप कंपनी से इस्तीफा दे सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, तो ये एक ऑप्शन हो गया। अब हम बात करेंगे असीमित अग्रीमेंट। असीमित का मतलब अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड का मतलब समझते हैं जिनकी शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई ठीक है तू काम कर ले, हमारा ये अग्रीमेंट है और ये जब तक तू काम करता रहेगा चलता रहेगा, जब तू छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, तो इसको एक असीमित अग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब शुरू होता है, अंत नहीं होता, अंत कैसे होता है उसके बारे में भी हम बात करें। अंत के लिए ये होता है कि भाई ठीक है आपने कितने भी टाइम काम किया उसके बाद आपको लगता है काम नहीं करना, तो आप एक नोटिस ले एक ईमेल कीजिए या फिर एक नोटिस दीजिए कंपनी को काम छोड़ने से 30 दिन पहले, जैसे आज आपको एक महीने बाद काम छोड़ना, तो एक महीने पहले आप कंपनी को नोटिस दे दीजिए, फिर आप एक महीने तक रेगुलर काम करते रहिए, फिर आप काम जो आपका है अग्रीमेंट आपका खत्म हो जाएगा, कंपनी आपकी बकाया तनख्वाह आपका एक महीने तक की सैलरी वो अभी आपने जो पेंडिंग में किया है आपका बोनस वगैरह सब कंपनी को आपको देना होगा। जी हाँ, अभी बता दूं मैं आपको असीमित जो अग्रीमेंट होता है उसमें भी देखिए कर्मचारी को कुछ 19 जो दुबई का लेबर लॉ 1980 उस 120 में यह प्रावधान बाकायदा उसके पक्ष में बताए गए हैं कि भाई आप कंपनी से इस्तीफा दे सकते हैं। कैसे? कुछ आधार बनते हैं, कुछ पॉइंट बनते हैं आपके पास में। जी हाँ, वही बात है भाई, कंपनी आपका मतलब जो भी कंप्लीट आपका जो अग्रीमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही, उसमें वो विफल रहती है आपका मालिक आपका कंपनी, तो आप उसमें इस्तीफा दे सकते हैं बिना नोटिस दिए, अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट आपको तनख्वाह आपको सैलरी रहना खाना ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या नोटिस देना है, जॉब छोड़ दो, अब आज तक की तनख्वाह लो, जॉब छोड़ दो, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे दो बात है, अगर कर्मचारी कंपनी के अनुसार काम नहीं करता या कंपनी के नियमों को फॉलो नहीं करता है तो अनुच्छेद 120 में उसको बिना नोटिस दिए उसको जॉब से निकाला जा सकता है। और यहाँ पे असीमित अग्रीमेंट में अगर बात करें कर्मचारी अनुबंध अगर खत्म करना चाहे तो 121 अनुच्छेद जो 1980 का एक्ट बना 121 में कंपनी को बिना बताए जॉब खत्म कर सकता है, क्योंकि वो कंपनी उनके दायित्वों को पूरा नहीं करती, उनकी सैलरी बोनस वगैरह नहीं मिल पाती है, तो वो 121 के तहत कंपनी से इस्तीफा दे सकता है। जी हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी उचित कारण के कंपनी अगर कर्मचारी को निकाल देती है, बिना किसी कारण के बर्खास्त कर देती है कोई भी बहाना लगा के, तो उसको 3 महीने तक की तनख्वाह उसको कंपनी को जिस निकालने वाले कर्मचारी को देनी होती है, उसका पूरा मुआवजा उनकी ग्रेजुएटी बोनस वगैरह सब कुछ कंपनी को देनी होगी। जी हाँ, चाहे वो निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी उनका हिसाब है वो कंपनी को करना पड़ेगा। ये दुबई लेबर लॉ 1980 में सब बातें बताई गई है। तो आई होप आपको वीडियो तो बड़ा हो गया लेकिन आपको सब बातें समझ में आ गई होगी, इसको अगर देख लिया सोच लिया दिमाग में बिठा लिया तो इसी के अनुसार आपको चलना होगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। पूरी डिटेल से बता दी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।